द्वारपाल द्वारपाल महाराज की जय हो। जय हो, जय हो, जय जयकार। कहिए महाराज। द्वारपाल, हमारे दोनों राजा उपस्थित है ना? महाराज, आपके राज्य में बहुत उधम मचा था। वजह संसार में ताले जुगल उसको कहते हैं। राजा है प्रजा से, प्रजा है राजा से। महाराज, हम आपके सुना तो बहुत खुशी भर कि आप धुरा नहीं। सब किस्मत ही होता है द्वारपाल, किसी के पास एक रानी नहीं है और हमारे पास तो दो दो रानी है। द्वारपाल, हमारे दोनों रानिया को हाजिर किया जाए। महारानी जय हो। आयुष्मान रहो। क्या आज्ञा है? आज्ञा यह है महाराज जी, इसलिए हम लोग को दरबार में बुलाए हो कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। सुनो महारानी जी, और बहुत खुशी की बात है, कोई नाराजगी की बात नहीं है। ये बात है तो बताइए। तो खेल आज स्वीकार जाऊंगा मैं, क्या इजाजत तुम्हारा बताओ दे दो मुझे। अरे महाराज जी, खेल आज स्वीकार जाऊंगा मैं। बहुत दिन हो गया मैं जंगल शिकार खेलने के लिए नहीं गया है। इस वजह से हमारे दिल में तमन्ना है कि आज हम जंगल शिकार खेलने के लिए अवश्य जाऊंगा। इसीलिए दरबार में तुम्हें बुलाया कि आप लोगों को क्या इच्छा है। महाराज, महारानी से बात कर लीजिए। लेकिन महाराज देखिए, इस समय नीलम रानी गर्भवती है, अगर आप शिकार खेलने जाओगे तो उसका देखभाल कौन करेगा? महारानी जी घबराओ नहीं, द्वारपाल इसमें घबराने की क्या बात है। हम शिकार खेलकर सामो साम वापस आ जाऊंगा और जब तक हम नहीं रहेंगे। द्वारपाल, हमारे घर में अगर कोई सामान घटेगा तो हमारी दोनों रानिया का सामान बाजार से ला देना और हम शिकार खेल कर सामान साम वापस आ जाऊंगा। हाँ द्वारपाल, मेरे न रहने के बाद जिम्मेदारी सब तुम्हारी है, क्योंकि हमारे इस रंग हवेली का तुम नौकर हो। हाँ द्वारपाल, अच्छा मैं अभी जा दो, इच्छा हमारा है कि अब हम चलना चाहता हूँ। बताओ, आप तो जाते शिकार खेले, हम दो जीव से हम यह करके संभाली। घबराओ नहीं, इससे भगवान देखेगा। लेकिन तुम ही ला दिलो ले जाओ। द्वारपाल समझा दो मेरे महारानी को, ये कोई मान बोले तो आप जाते शिकार खेले, अब कोनो बात ना बने तो यहाँ हम हमार का हाल हुई। तो मजा काटे तू देख ले हो, तुहरे बच के है नहीं ठीक है, तो बुला लो। महाराज क्या बात, आप नहीं मानेंगे चले जाएंगे? हाँ शिकार खेलने के लिए आओ। ठीक है महाराज, जाओ। ठीक है, अच्छा मैं चलना चाहता हूँ। अरे साले मैं सावन साहब शिकार खेल कर वापस आ जाऊँगा। ठीक है, पाँव पकड़ लो। खड़े हो, क्या तुम्हें पाँव पकड़ना आता नहीं है?
अच्छा तो बढ़िया हो ज्यादा बात मैं ऐसे आशीर्वाद दे दिया ऐसे बहुत बड़ा रहता है हम महाराज कहते हम काला दोनों बड़ा उठा लो बड़ा लगाइए जाओ जाओ मम पुत्र जाओ अभी राज काज जब है लाला आज से कुर्सी का मालिक हम हैं साल भर हम सीख लिए आराम जादे तुम यहाँ बैठ कर क्या कर रहे हो दबा जियो नीचे रहा द्वारपाल नीचे ना रहा भाई अरे हराम जादे नीचे नहीं मैंने अच्छा रहो अच्छा हाँ अब तुम ही सुझाओ का गिराओ सुझाओ का अरे हराम जादे तुम्हारा क्या सुझाव दूं बता नहीं बताओ कहो जहिया से महाराज गए तहिया से दोनों सबत लड़त का है क्यों बताओ लेकिन द्वारपाल तुम नहीं जानते हो अभी उसके शादी को 5 साल हुआ कितने ब्याह है उसके शादी को 5 साल हुआ हाँ और हमारे शादी को 11 साल हो गया मैंने वो बड़े मलकिन करे ब्याह 5 साल भा नहीं नहीं छोटी मलकिन छोटी मलकिन करे हाँ और उनका कहानी लौट हुई का अरे वो बच्चे की माँ बनने वाली हराम जादे और तुहरे 20 साल होगा तुहरे ब्याह हाँ तुहरे को शैतान नहीं पैदा भैया अरे हराम तो यही से दोनों जने लड़ा झगड़ा लेकिन द्वारपाल देखिए उस इस समय बहुत घमंड में रहती है हाँ। जब हमको देखती तो वो हराम जादी ताना मार के चलती सुनाए जाने लेकिन द्वारपाल देखो मैं भी सोचती हूँ कि हमारी शबद है जाके उसको समझाओ अगर समझ गई तो सही है अगर नहीं समझेंगे तो फिर देखा जाए हाँ मैं जाती उसको समझा देना जाओ हम समझाए दे जहाँ तक हो सके अगर अगर समझाए लेंगे ना तो तुमका हम खिचड़ी खवाए छड़ छड़ाए हाँ जाने थे पार से ले यही महीनों में हमारा चुतरी पड़ा रहा जब जब तुका कुर्सी बैठे नहीं आवे तब कहे तो बैठ गया लेकिन बात तू पूछा था हमें पता है जो तू बतिया पूछा चाह द्वारपाल वह बतिया हम तुझसे कहा गए कि हमसे ही जब से महाराज चले गए शिकार खेले तब से ही एक नई एक दिन फूरी रहा थी घबरा उड़ा घर से आखिर बात चाहे चाहे हम देखे जरा इलाज जब से तो हाँ
नाना बारा पर तो है हां चाहिए हां तो हरे कुछ पैदा भाई हमरे हां अब महाराज आए हां तो धान मान सम्मान हो है अच्छा अब आपका कचारी न राजा बने घर पर चौदा पाल छा धान लगाऊ यही यही भूली राखी ओहो तब तनी तनी बात करते हो भूली कह रहा थी ये बताओ हमारा लड़का हमारे पैदा हुई तो हका लड़का न बोली वो कबली देखे हम मजरी जा थी कहीं तो ना लेकिन हमारे बच्चा होके बच्चा कहूँ दूर भाई गए ठीक है उसे समझा दो समझा तब हमसे फिर बतायो बड़कली मनकिन हो बाल मान गए बिलाई बिलाई जा बताओ हमारा बताओ मैंने समझाया उनका वाले थर ना खाती हर खा खा क्या हुआ बताओ बताओ हाँ तो बताओ अच्छा अच्छा वो हमारे तो भैया है उतार भाई हुए हाँ भाई को गाली दे रहे हो हमारे मुलाकात अपने भाई बुलाओ तो ठीक है भैया सारा दिन डकैते रात और दिन डकैते करत है हाँ और जब कहूँ वहाँ सकता ही दिखो तो ये बताइए काम बंद कर हम बैठती हूँ जाके हमारे भैया को बुला लाए तू बैठो हाँ और जाए कह दे कि तबीयत खराब है और कह दियो कि हमें ज्यादा तबीयत खराब तू बैठो हम देखी तो हर कौन में तबीयत खराब हो तो फोनवे कह दियो हाँ तू बैठो फोन कर दियो अब हेलो हाँ मैं महाराज चंद्र बहादुर सिंह का द्वारपाल बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है आप आ सकते हैं जल्द से जल्द अगर नहीं आएंगे तो तुम्हारी बहन जान से चली जाएगी जल्दी आइए अरे विक्रमा रे ओ विक्रमी द्वारपाल तूने क्या कहा द्वारपाल इस हमारे आरा जिला रियासत में कोई विक्रम सिंह नाम लेने की हिम्मत नहीं और तूने क्या कहा विक्रम सिंह रे अरे हरे दादा तेरी औकात क्या है अरे द्वारपाल क्या अरे मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे दौरा आ रहा है नहीं द्वारपाल अब मैं कभी नहीं मारूंगा तुम्हें आपके पास मैंने फोन किया हम सब जानते हैं ये जो बोल रहा था
नहीं राजपाल, मैं तो घबरा गया। चलिए आपके बहन की तबीयत खराब है क्या? बहुत ज्यादा। यानी हमारे दो बहन है, हमारी सगी बहन सुशीला है और सौतेली बहन मेरी नीलम है। यानी हमारे बहन सुशीला का तबीयत खराब है। ठीक है राजपाल, चलो ये बताओ आज के दिन बात क्या है कि हमारी बहन इस समय गंभीर बैठी है? आप पूछा जाए, हम मैं जरूर पूछूंगा। दवाई खवात खवात परेशान हो गई, चमड़ा के दवाई खवायल बोली वहाँ कोचिन नहीं पावे पूछे तो हर भी छिलाए हर भी छिलाए। लेकिन चमड़ा की क्या दवाई होता है? और लेटर लीन चमड़ा मारसे निंग संग लगाए। ठीक है भैया, अगर यदि आप पूछते हो तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। भैया सुनो, क्या कहा तूने कि शोक का लाल बर्दाश्त करूंगी नहीं? हाँ भैया। अरे ये बता पगली कि अगर तुम एक संतान के दौरानी हो तो क्या उसका बच्चा पैदा हुआ था तुम्हारा बच्चा नहीं कहलाएगा? नहीं भैया, उसका बच्चा मेरा बच्चा कैसे कहलाएगा? राजपाल इसे समझा दो। हम का समझाए तू नहीं समझदार हो, तू तो उल्टे बोला था। लेकिन क्यों ये बताओ, जैसे एक घर में है गाय भैंस बांध दियो तो गाय कह रहे बछिया कह कोई भैंस पढ़ लो कहीं चुप। क्यों? मैं तुम्हें गाय और भैंस की बात नहीं पूछता। बकरे पैदा भाई तो कौन अकेले पिराई? क्या अगर उसके बच्चा पैदा हुआ तो उसका बच्चा नहीं कहलाएगा? हम तो ना मानो बात तुम ही बताओ, अब उसका बच्चा मेरा बच्चा कैसे कहलाएगा? लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो? देखिए भैया, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस दिन के कोख से कोई संतान या कोई औलाद जन्म लेगा उस दिन से उसका मानता ज्यादा हो जाएगा। भैया मेरा मानता कुछ भी नहीं रहेगा। यानी उसके आल औलाद हो जाएगा तो तुम्हारा मानता कुछ नहीं होगा? हाँ भैया, मेरा मानता नहीं रहेगा। लेकिन इसके बारे में मुझे क्या करना होगा? देखो भैया, मैं कहता हूँ भैया, देखिए मैं कहती हूँ शराब जाति को खत्म कर दो, उसे मार डालो। क्या? उसे मार डालो भैया,
मैं उसे जान से मार दूं। हाँ भैया उसे मार दो जान। नहीं बहन, तू मेरी सगी बहन है लेकिन वो मेरी सौतेली बहन। मैं रात दरबार में जाता हूँ तो भैया कहकर पुकारती है तो मेरा दिल दुख जाएगा। क्या जब तुम्हें भैया कहकर पुकारा थी तब तुम्हार जिंदरिया गान समुंदर हो जा। लेकिन सुशीला कहिए भैया। मैं तुम्हारे लिए उस अपने बहन को इस राइफल से नहीं मारूंगा। नहीं भैया, अगर उसे आप नहीं मारोगे तो मैं फांसी लगा के मर जाऊंगी भैया, मैं अपनी जान दे दूंगी भैया। अरे लोग बहुत धमकी और पट्टी देते हैं कि मैं जहर खा लूंगा, मैं फांसी लगा कर मर जाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन ये विक्रम सिंह तुम्हारे धमकी पट्टी से देने वाला मर्द नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी मर्जी हो, तुम कर सकते हो, मैं करार नहीं बोली मारा। ठीक है भैया। भैया मैं आपसे आखिरी बार कहती हूँ भैया, मैं सचमुच मर जाऊंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी भैया। मरम चाहा जियो, मर जाए तो हमने हत्या का जाओ सुन, हम मर जाए तो पटा मर। भैया आप नहीं मानोगे ना? मैं नहीं मानूंगा तो मैं मर जाऊंगी भैया। तो ठीक है मैं मरने के लिए जा रही भैया। लेकिन बात पाल मतलब भैया ने अब पसिया लगाई तो हक मुंह दबा दिया। अरे क्या कहा दार पाल, हमें लगता है। अरे रोजे बहन होने को लेने गए। चुप चाप चुप चाप दार पाल, तू लाल जाला क्यों फांसी लगाओ वाले का क्या हुआ है बता दे। समझ भेज जाए इस तरह बता। अरे द्वारपाल हमें लग रहा है ये सचमुच फांसी लगाकर मर जाएगा। मर जाएगा द्वारपाल, सही मर जाएगी। ये मेरी सगी बहन है और अगर ये मर गई तो लोग ठाकुर विक्रम सिंह पर हंसेंगे कि आपने सगी बहन के लिए अपनी सौतेली बहन को नहीं मारा था। अरे मैं इसका उपाय कारपाल, मैं इससे मरने नहीं दूंगा। आपने बहन के खुशियों के खातिर इस सारा जिला के रियासत में इतना बम और बारूद बिछाऊंगा कि लोग ठाकुर विक्रम सिंह के नाम पर और काटेंगे। सुनिए भैया मैं आपको उपाय भी बताऊंगी, सुनो। आज ठाकुर हमारे घर पे नहीं, आज ठाकुर हमारे घर पे नहीं, लेकर जाए दुनिया
पर बैठते टीका हल्ले और करूंगी वही और मारी नहीं ऐसी गोली टीका भैया कहिए बहन जब आप उसके घर पे जाना तो उसे बोलना कि बहन तुम्हारी माँ का तबीयत खराब है जब वो तुम्हारे साथ चलेगी भैया तो आप चलना साथ में जो जंगल है हनुमान जी का मंदिर का वहां पे जब आप पहुंचना तो भैया मैं वहीं पे चोर चोर की आवाज लगाऊंगी तो भैया वो डर जाएगी कहेगी भैया मैं आगे चलती हूँ तुम पीछे चलो फिर वहीं पे आप उसे गोली मार देना वो हराम जाती मर जाएगी किसी को पता भी नहीं चलेगा भैया ठीक है बहन हाँ भैया मैं जा रहा हूँ मैं तुम्हारे खुशियों के साथ खातिर इस संसार में आग लगा दूंगा बहन मैं चलता हूँ मुझे आशीर्वाद दो भैया जाओ द्वारपाल अब तो रास्ता साफ नहीं रहूँ अब तो हराम जाती मर जाए हमेशा के बहुत घमंड नहीं भद्रा घाट अब तो हर रास्ता साफ अब हमारा रास्ता तो साफ है भाई चाहे जैसा वही जाए अरे हम कहा काटा रास्ता खट गवा हूँ लेकिन द्वारपाल चलो तुमका हलवा खवाई जो दूसरे कहे ना कहे चार घंटा खोज लेकर खोज